गाइस अगर ओके मुझे तो सही है। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग मुझे कमेंट में जरूर बताना। एंड आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मीशो के ज्वेलरी हॉल। मैंने मीशो से बहुत सारी ज्वेलरीज बाई की है एंड काफी ज्यादा चीप प्राइस में ये वाला हॉल होने वाला है एंड आप लोगों को बहुत ज्यादा मजा भी आएगा। सो फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नहीं हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और सो लेट्स गेट स्टार्टेड। देखो स्टार्ट करने से पहले ना आप लोग मुझे कमेंट में जरूर बताना कि आप लोगों को मेरा हेयर स्टाइल कैसा लग रहा है, बिकॉज काफी टाइम बाद मैंने अपने ना बालों को कट करवाया है। मुझे काफी ज्यादा सही लग रहा है एंड छोटे छोटे बाल है और गर्मी भी नहीं लगती है, तो ठीक है मुझे कमेंट में जरूर बताना। ओके स्टार्ट करते हैं हमारी फर्स्ट ज्वेलरी से। सभी के प्राइस वगैरह ना मैं स्क्रीन पे मेंशन करते जाऊंगी, बिकॉज सारी ज्वेलरीज के प्राइस याद करना भाई बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। तो लेट्स सी कि ये वाला कैसा है, मैं फटाफट से ओपन करती हूँ। हमारी फर्स्ट ज्वेलरी जो कि मुझे काफी ज्यादा सही लग रही है, एकदम सिंपल सोबर सा है। साड़ी वगैरह पे पहना हुआ ना काफी ज्यादा प्यारा लगेगा आपके ना। ये प्रॉपर ऐसे चोकर वाला वर्क रहेगा, आप लोग लगाया हुआ भी देख सकते हो कितना सुंदर लग रहा है। बहुत ही प्यारे प्यारे से एंड कूट 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 से ऐसे इयररिंग्स मिल रहे, काफी ज्यादा लाइट वेट है, बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा कि आपने कुछ वेयर भी कर रखा है एंड मुझे काफी ज्यादा सही लगा। प्राइस अकॉर्डिंग आप इसे ट्राई कर सकते। ओके नेक्स्ट है ना वो है हमारी ये वाली ज्वेलरी। प्राइस वगैरह मैंने अगेन स्क्रीन पे मेंशन कर दिया, तो फटाफट से ओपन कर। तो ये वाला जो चोकर है ना काफी ज्यादा इन दिनों मैंने बहुत सारे सेलिब्रिटी को देखा है कि वो सिंपली ना एक वन पीस ऑफ ड्रेस पहन लेते हैं और उसके ऊपर ना ये वाला चोकर पहन लेते हैं एंड इवन मैंने सेलिब्रिटी को देख के ही मंगवाया। काफी ज्यादा सही है ये क्वालिटी वगैरह मैं जज करूँ ना तो यार मीशो अगर आपको इस प्राइस में इतना सुंदर पर्स का नेकलेस दे रहा है तो प्यारे प्यारे से इयररिंग्स मिलेंगे। बट मुझे ये इतने ज्यादा पसंद नहीं है बिकॉज इस टाइप के इयररिंग्स मैं वेयर नहीं करती हूँ, बट मुझे इसका चोकर काफी ज्यादा पसंद है। प्राइस के अकॉर्डिंग काफी ज्यादा ठीक भी लग रहा है, सो यार इसे भी आप ट्राई कर सकते। ओके नेक्स्ट जो है ना वो है हमारी ये वाली ज्वेलरी। लेट्स सी कि ये वाला कैसा है, काफी ज्यादा सही लग रहा था स्क्रीन के ऊपर। गाइस ये वाली ज्वेलरी है ना मुझे बहुत ज्यादा सुंदर लगी। इन्होंने जो बीच में बहुत ही प्यारा खूबसूरत सा पेंडेंट दिया है जो कि इसकी खूबसूरती को ना और भी ज्यादा ना स्टाइलिश बना रहा है। साड़ी वगैरह पे सूट वगैरह पे पहना वो बहुत प्यारा लगेगा। प्यारे प्यारे से ना इस टाइप की इयररिंग्स मिल जाएगी। इस टाइप की इयररिंग्स का फायदा ही होता है ना, कान वगैरह दर्द नहीं होता है, हर किसी को पसंद आ जाता है। प्राइस रेंज में ना आपको इतना प्यारा चोकर मिल रहा है, सो यार इसे भी आप ट्राई कर सकते। ओके नेक्स्ट जो है ना वो है हमारा ये वाला नेक पीस। लेट्स सी कि ये वाला कैसा है। बहुत ही ज्यादा स्टाइलिश सा पीस है। लुक एट दिस इयररिंग्स भाई, प्रॉपर ऐसे कोरियन वाला वाइब दे रहा है एंड इसके नीचे जो इन्होंने ये जाली के अंदर एक पल्स डाल के ना वो और भी ज्यादा खूबसूरत लगाया लगाया वो कुछ ऐसा लगने वाला है, आप लोग देख सकते हो। नेक्स्ट जो है ना वो हमारे ये बहुत ही खूबसूरत सा पीस। जस्ट लुक एट दिस एंड इतना ही नहीं भाई साहब, इसके पीछे भी ना आपको ऐसी बड़ी बड़ी सी ना लड़ियां सी मिलती है। गाउन वगैरह पे पहना हुआ ये बहुत ही ज्यादा प्यारा लगने वाला है, इसे आप डेफिनेटली ट्राई कर सकते हो भाई, सोचने वाली बात ही नहीं। ओके नेक्स्ट जो है ना वो है हमारा ये वाला नेक पीस। लेट्स सी ये कैसा आया, फटाफट से ओपन कर। ये भी बहुत ज्यादा सुंदर है। मुझे पर्सनली ना इस टाइप के चोकर बहुत ज्यादा पसंद है। बहुत सोबर सा, बीच में ना आपको बड़े बड़े से नग मिल जाएंगे एंड साइड साइड में ना आपको छोटी छोटी सी ना मोतियों का डिजाइन मिल रहा है। सिंपल से ना इयररिंग्स मिल जाएंगे, आप लोग देख सकते हो। काफी ज्यादा बेसिक सा है बट मुझे प्राइस से थोड़ी काफी ज्यादा सही लगा, सो इसे भी आप ट्राई कर सकते। ओके नेक्स्ट जो मैंने लिया था ना वो है हमारा ये वाला पीस। लेट्स सी कि ये वाला कैसा है। इट्स लुकिंग सो ब्यूटीफुल, कोई भी देख के ऐसे कह नहीं सकता कि भाई ये एकदम लोकल सा है। इतना प्यारा पीस है और इतनी खूबसूरत सी इसके ऊपर डिजाइन है ना, बिल्कुल ऐसे जो एड़ी वाले जो होते हैं ना ज्वेलरी जिनके रंग वगैरह नहीं जाते, बिल्कुल वैसा लगने वाला है आपको। प्रॉपर ऐसे गले में आएगा, ये राजस्थानी जो बेस वगैरह होते हैं ना उनके ऊपर पहना हुआ बहुत ज्यादा स्टाइलिश लगेगा। इयररिंग्स देखो भाई ये इतना सुंदर है ना, बिल्कुल भी ना ऐसा लोकल सा नहीं लग रहा। मेरी मम्मी ना इसे देखते ही कहने वाली है कि मुझे दे दे मैं ये पहन लूंगी, और अभी भी शादी हुई ना तो आप जरूर ट्राई करना, हर किसी को ये लगने वाला है कि अपने ना सोने की वेयर कर। ओके नेक्स्ट मैंने ये ना वो है हमारी ये वाली ज्वेलरी। Just look at this, ये कितना सुंदर है। ज्यादा लाइट वेट कुछ हो ही नहीं सकता, मैं आप लोगों को लगा के दिखाती हूँ। ओह माई गॉड इट्स सो प्रिटी, बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रहे हैं। जस्ट लुक एट दिस, आई लव इट, मुझे बहुत पसंद आया, बहुत ज्यादा सुंदर है, बहुत ज्यादा लाइट वेट है। जल्दी जल्दी बाय कर लो इससे पहले कि ये वाला आउट ऑफ स्टॉक हो जाए। ओके नेक्स्ट जो है ना वो है हमारी ये वाली जूते। बहुत ज्यादा सुंदर लग रहा था, मतलब उनके ऊपर बहुत प्यारा लग रहा था। इन रियलिटी में भी ये बहुत
काफी ज्यादा ट्रेंडी है, काफी ज्यादा सिंपल सा भी आप लोग देख सकते हो। आजकल आप लोगों को ये भी पता है कि मैं अपने बहन को लैब में वीडियोस बना रही हूं, तो मेरे पास गले में पहनने के लिए कुछ भी नहीं होता। इयररिंग्स मिल रही है ना, इसे देख के तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं इसे रगड़ूंगी एंड वो बाहर आ जाएगी। क्या कहते हैं, सोना सोन पर आई। हाँ, अच्छा ही लगेगा पहना हुआ भी। सो यार ट्राई कर सकते हैं। बड़े पिटारे में पड़ी है क्योंकि मैंने ना इसकी शॉर्ट वीडियो बना ली है, तो मैं फटाफट से आप लोगों को दिखा देता हूं कि आप लोग स्क्रीन पे देखते जाना एंड बाय करते जाना। नेक्स्ट मैंने अगारो का ना ये 3-in-1 हेयर स्टाइलर लिया था, जो कि मुझे कुछ इस टाइप से रिसीव हुआ था। इसे एक ही स्ट्रेटनर से ना आप कर्लर भी कर सकते हो, स्ट्रेट भी कर सकते हो और क्रिम्पी भी कर सकते हो। मेरे पास स्ट्रेट है ना, तो मैंने आपको क्रिम्पिंग करके दिखाया, बहुत ही ज़्यादा अच्छे से क्रिम्प कर रहा था ये। नेक्स्ट मैंने ना आपको कर्ल भी करके दिखाया, भाई कर्ल भी इतने गजब के हो रहे थे ना, एंड विद इन अ फ्यू सेकंड आपके ना बहुत ही अच्छे से कर्ल हो जाते हैं। नेक्स्ट मैंने ना अगारो का ये रिचार्जेबल 3-in-1 मल्टी ट्रिमर मंगवाया था, मुझे काफ़ी ज़्यादा बेस्ट प्रोडक्ट लगा। इसमें आपको अलग अलग फंक्शन मिल जाएंगे, इससे ना आप अपने फेशियल हेयर के साथ साथ बिकनी एंड अंडर आर्म्स के भी हेयर्स को रिमूव कर सकते हो। मैंने अपने फेशियल हेयर को रिमूव करके दिखाया, काफी इजी तरीके से ये रिमूव हो रहा था। प्लस मैंने ना अपने ना आईब्रो के हेयर को भी ना थोड़ा थोड़ा सा ट्रिम किया, मुझे काफी ज्यादा बेस्ट प्रोडक्ट लगा। ऊपर से पैसे बच रहे हैं, ये लाइफ सेवर होने वाला है, तो ले सकते हो। नेक्स्ट हमारा ये अगारो कॉस्मिक प्लस सोनिक इलेक्ट्रिक टूथ ब्रश, मुझे काफी ज्यादा पसंद है। आप लोगों को पता ही होगा मैं इसे कितना यूज करती हूँ। इसमें आपको 5 ब्रशेज मिल जाएंगे, प्लस इनमें आपको 5 मोड मिलेगा, चार्जेस मिल रहे हैं। आप अपने अकॉर्डिंग ना मोड को सिलेक्ट कर सकते हो, जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो एंड इजी तरीके से ब्रश कर सकते हो, तो इसे भी आप ट्राई कर सकते हो। और नेक्स्ट मैंने ना अगारो का ये कैलस रिमूवर लिया था, इसमें आपको 3 इंटरचेंजेबल ना हेड रोलर मिल जाएंगे, और इसमें आपको वायर भी मिल जाएगा जिसे आप चार्ज कर सकते हो। आप लोग देख सकते हो मेरी एडी ना कितनी ज्यादा डेड हो रही है, तो इसके रिमूव से ना आप लोग देख सकते हो कितना सही लग रहा है ये, तो इसे भी आप जरूर ट्राई करना। नेक्स्ट है हमारा अगारो का 4-in-1 इलेक्ट्रिक रोज क्वार्ट फेस रोलर, इसकी पैकिंग मुझे बहुत पसंद है। अगर इसकी सेल खत्म हो जाती है तो आप चेंज कर सकते हो, ऑन एंड ऑफ का भी आपको सिस्टम मिल जाएगा। सिंपली आपको फेस पे ना इस टाइप से रोल करना है, आपका ब्लड सर्कुलेशन ना काफी ज्यादा अच्छा हो जाएगा। नेक्स्ट आप इसके ना चेंज भी कर सकते हो फंक्शन को, रिंकल्स के लिए भी काफी ज्यादा सही है और रिंकल्स को ना रिड्यूस करने में हेल्प करता है ना। इसमें जो लाइन के लिए मुझे काफी ज्यादा बेस्ट प्रोडक्ट लगा, सभी के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। ओके बाय। दो झुमकास लिए, एक मैंने प्रॉपर ऐसे सिल्वर में लिए, एक मैंने ऐसे प्रॉपर गोल्डन में लिए। दोनों ही बहुत ज्यादा प्यारे हैं, दोनों ही मुझे काफी ज्यादा सही प्राइस में मिल गए थे, मतलब मैंने कॉम्बो में बाय नहीं किया। ऐसे है ना, आपको इस टाइप से ना रानी हार सा मिल जाएगा, बहुत प्यारा लगेगा, एकदम सिंपल सा लाइट वेट है। साड़ी वगैरह पे पहना हुआ ना, जितने भी पुराने जमाने के जो वैरायटीज और सामान थे ना, सारे आजकल काफी ज्यादा इन हो चुके हैं, मुझे काफी ज्यादा बढ़िया लग रहे थे। गेट बहुत ही बड़ा सारा इस टाइप का चोकर लिया, आई डोंट नो कि मैं इसे कैसे वेयर करूंगी, कहाँ वेयर करूंगी, किस पे वेयर करूंगी, बट ये मुझे लग बड़ा ही स्मार्ट सा रहा था, काफी ज्यादा कूल सा प्रोडक्ट है, हर किसी को अच्छा लगे। मैंने ये रेड से कलर का चोकर लिया था, मेरी मम्मी को ये बहुत पसंद आया था, मेरी मम्मी ने देखते ही कह दिया था कि ये बाय कर ले। इसके साथ भी ना आपको इस टाइप के गोल गोल से ना इयररिंग्स मिल जाएंगे, एंड ये भी काफी ज्यादा प्यारा लगेगा जब आप इसे वेयर करोगे। बेसिकली ना लेडीज से ज्यादा अच्छा लगेगा, गर्लिश पे तो ये ज्यादा मुझे लगता है खिलके नहीं आएगा। नेक्स्ट है ना, मैंने इस टाइप की चेन ली थी, इस टाइप की जो चेन होती है ना डेली पहनने के लिए काफी ज्यादा सही होता है, और सबसे अच्छी बात है इसका कलर वगैरह बिल्कुल भी नहीं जाएगा, बिकॉज एक दो बार मैं वॉश कर चुकी हूँ, इसमें पानी भी जा चुका है, मैंने ट्राई किया था, बेसिकली इसका कलर जाता है कि नहीं जाता, एंड इसका कलर बिल्कुल भी नहीं गया था, एकदम सिंपल सोबर सा, आप अपनी मम्मी को गिफ्ट कर सकते हो। मैंने अगेन इस टाइप का रानी हार लिया था, ये भी मुझे बहुत ज्यादा सही लग रहा था, एकदम सिंपल सा है, कुछ भी हैवी वर्क नहीं है, बहुत प्यारा लगेगा। साड़ी वगैरह पे आप गले में कुछ मत पहनना, एकदम यही पहन लेना, एंड ऐसा लगेगा कहाँ से कौन आ रहा है। इस टाइप के मंगलसूत्र लेते हैं, बिकॉज मुझे बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे दीदी कि आप सिंपल में ना अच्छे वाले मंगलसूत्र दिखाओ, एंड मुझे ये काफी ज्यादा सही लग रहा था। सेकंड है ना, आपको इस टाइप का हार्ट वाला मिल जाएगा, आप लोग देख सकते हो ये भी बहुत ज्यादा प्यारा है। एंड जो थर्ड है ना, आपको इस टाइप का बटरफ्लाई वाला मिल जाएगा, ये भी मुझे काफी ज्यादा सही लग रहा था। नेक्स्ट जो है ना, मैंने ये वाला चोकर सेट किया था, आप लोग देख सकते हो। अगर आप लोगों को पसंद है ना ऐसे बड़े बड़े से पहनना, आप चाहते हो मैं सिंपल सा पहनूं बट स्टिल हमें पहना हुआ सुंदर भी लगना चाहिए, तो आप किस टाइप के चोकर ट्राई कर सकते हो, बिकॉज ये काफी ज्यादा स्टाइलिश लगेगा, और ये कलर भी ऐसा है ना कि किसी को ऐसा लगेगा नहीं कि भाई आपने नकली वकली पहन लगे।